माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में जीके की वर्कशीट लेकर आई हूँ। ये सभी वर्कशीट हैंडमेड है। आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद आप इन वर्कशीट को घर में या स्कूल में बहुत कम समय में और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। मैंने जो जीके की वर्कशीट बनाई है वो इस प्रकार है, हेल्दी अनहेल्दी एक्शन वर्ड्स इन आउट फैमिली ट्री मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर फुल एम्पिटी एंड हैवी एंड लाइट। पेरेंट्स इन वर्कशीट को बहुत कम समय में बहुत अट्रैक्टिव वे में घर पर आसानी से बना सकते हैं और अपने बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं और बच्चों में स्टडी के प्रति इंटरेस्ट को बढ़ा सकते हैं। जीके वर्कशीट, लेट द मैन रिलैक्स, ड्रॉ अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर द मैन हु इज लोडिंग हैवी वेट। यहाँ पर इस वर्कशीट में टू पिक्चर बनी हुई है, एक मैन ने लाइट वेट उठाया हुआ और एक मैन ने हैवी वेट उठाया हुआ है। हम बच्चे को कहेंगे जिस मैन ने हैवी वेट उठाया हुआ है आपको वहाँ ग्लास ऑफ वाटर ड्रॉ करना है। इस तरह बच्चा ग्लास ऑफ वाटर ड्रॉ कर देगा। सेकेंड वर्कशीट, फैमिली ट्री, पेस्ट फैमिली फोटोज। इस ट्री के अंदर फैमिली की फोटो पेस्ट करवाएंगे। मेक स्माइली फेस इन फ्रंट ऑफ हेल्दी फूड एंड सैड फेस इन फ्रंट ऑफ अनहेल्दी फूड। यहाँ पर हेल्दी और अनहेल्दी फूड की पिक्चर बनी हुई है। इन पिक्चर के सामने बच्चा जो हेल्दी फूड है वहाँ पर स्माइली बनाएगा और जो अनहेल्दी फूड है वहाँ पर सैड की पिक्चर बनाएगा। जैसे कि मिल्क हेल्दी है तो हम स्माइली फेस बनाएंगे और बर्गर अनहेल्दी है तो हम सैड फेस बनाएंगे। पार्ट्स ऑफ बॉडी, इस वर्कशीट के अंदर हम बच्चों को पार्ट्स ऑफ बॉडी लर्न करा सकते हैं, ईयर नोज आर्म्स लेग आईज। फ्रूट्स नेम, आप फ्रूट्स ड्रॉ कर लीजिए और बच्चे से नीचे कहिए जी फॉर ग्रेप्स, ओ फॉर ऑरेंज, ऐसे पूरी वर्कशीट कंप्लीट करा लीजिए। राइट द नेम ऑफ कंप्यूटर पार्ट्स, आप कंप्यूटर के पार्ट्स बना दीजिए और बच्चे को आप ऐसे लर्न करा सकते हैं, सीपीयू माउस प्रिंटर मॉनिटर कीबोर्ड। यातायात के साधन, बस कार नाव जीप, आप ये पिक्चर ड्रॉ कर दीजिए और बच्चे से कहिए बस कार नाव जीप इसके अंदर लिखो। मैच इट, मैच द एक्शन वर्ड, आप एक्शन वर्ड की पिक्चर बना लीजिए, क्राइंग रीडिंग ईटिंग स्लीपिंग, और बच्चे से मैच करने के लिए कहिए क्राइंग रीडिंग ईटिंग स्लीपिंग। टेक ओनली गुड हैबिट्स, यहाँ पर गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स की पिक्चर बनी हुई है। जो बैड हैबिट्स है उसके ऊपर हम क्रॉस करेंगे और जो गुड हैबिट्स है उसके ऊपर हम राइट का साइन लगाएंगे। जैसे कि यहाँ बच्चा बात कर रहा है, नहा रहा है, ये गुड हैबिट्स है, हम यहाँ पर राइट का निशान लगाएंगे। ये बच्चा नोज में फिंगर डाल रहा है, ये बैड हैबिट्स है, हम यहाँ पर क्रॉस करेंगे। ये बच्चा डस्ट में खेल रहा है, डस्ट में खेलना बैड हैबिट्स है, क्रॉस। ये बच्चा एक्सरसाइज कर रहा है, एक्सरसाइज करना गुड हैबिट्स है, यहाँ पर राइट का साइन लगाएंगे। इस तरह आप पूरी वर्कशीट कंप्लीट करा लीजिए गुड हैबिट्स की। ड्रॉ द मिसिंग पार्ट्स, यहाँ पर स्क्वायर बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है, ओवल बना हुआ है और ठीक इसके सामने स्क्वायर जो है वो कुछ कुछ गैप पर बनाया हुआ है, कुछ मिसिंग है। ठीक ऐसे ही ट्रायंगल बनाया हुआ है, ट्रायंगल में भी मिसिंग पार्ट्स हैं और सर्कल में भी मिसिंग पार्ट्स हैं और ठीक ऐसे ही ओवल में भी मिसिंग पार्ट्स हैं। हम बच्चे को ये समझाएंगे कि ये जो स्क्वायर है ये कंप्लीट है बेटा और ये इनकम्प्लीट है, आपको इसको देखते हुए कंप्लीट करना है। ठीक ऐसे ही ट्रायंगल को भी कंप्लीट कराएंगे हम और सर्कल को भी कंप्लीट कराएंगे और ओवल को भी कंप्लीट कराएंगे। इस तरह हम पूरी वर्कशीट करा लेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक कर दिखा रही हूँ। जैसे कि ये स्क्वायर है, बच्चे से कहेंगे बेटा यहाँ स्लीपिंग लाइन करो, नीचे भी स्लीपिंग लाइन करो और साइड में स्टैंडिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन। इस तरह पूरा
कंप्लीट हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पर वाटर एनिमल्स बने हुए हैं आप देख सकते हैं, और यहाँ उनकी टेल्स हैं, इनको मैच इट कराना है। जैसे यहाँ टॉर्टाइज है, टॉर्टाइज को टॉर्टाइज से मैच करेंगे। ये उसका आगे का पार्ट है और ये बैक पार्ट है, पीछे का पार्ट है। हम बच्चे को समझाएंगे, दोनों को मैच करना है। ठीक, ऐसे ये वेल है, वेल को वेल से मैच करेंगे। डॉल्फिन है, डॉल्फिन को डॉल्फिन से मैच करेंगे। फिश, फिश को फिश से मैच कर देंगे, और ठीक ऐसे ही इसको मैच कर देंगे। इस तरह हम बच्चे से पूरी वर्कशीट कंप्लीट करा लेंगे और उसको हम ये समझाएंगे ये सब वाटर एनिमल्स हैं बेटा। मैच द पिक्चर विद करेक्ट सीजन, यहाँ पर पिक्चर बनी हुई है आप देख सकते हैं। हम बच्चे को ये समझाएंगे बेटा जो सीजन है आपको करेक्ट पिक्चर से मैच करना है। जैसे कि समर सीजन है, समर सीजन हम सन से बच्चे को समझा देंगे। समर में सन होता है, और हम क्या यूज करते हैं, वी यूज आइसक्रीम इन समर सीजन। बच्चे को समझाएंगे रेनी सीजन, वी यूज अम्ब्रेला इन रेनी सीजन। ठीक, ऐसे ही हम बच्चे को ये समझाएंगे कि जब कोल्ड होता है, विंटर सीजन होता है, तो हम फायर जलाते हैं, आग जलाते हैं, वी यूज फायर इन विंटर सीजन। रेनी सीजन, रेनी सीजन में हम रेनकोट डालते हैं, रेनी सीजन से मैच करो। और समर में हम स्विमिंग पूल जाते हैं, समर से मैच करवाएंगे। इस तरह हम पूरी वर्कशीट बच्चे से कंप्लीट करा लेंगे। फिल मिसिंग लेटर्स, हम बच्चे को इस वर्कशीट में समझाएंगे कि यहाँ पर मिसिंग लेटर है, यहाँ पर जो वर्ड लिखे हुए हैं उनके बीच में फिलअप्स हैं। हम बच्चे को पहले ये समझा देंगे, फिर हम बच्चे को ये बताएंगे कि इसके अंदर से जो लेटर्स हैं कुछ मिसिंग है, आप ध्यान से इनकी स्पेलिंग को रीड करो और उनको कंप्लीट करो। फिर हम बच्चे को समझाएंगे यहाँ पर पिक्चर ड्रॉ की हुई है, आप इन पिक्चर को ध्यान से देखो। फर्स्ट पिक्चर है प्रिंटर, हेडफोन, स्पीकर, सीपीयू और माउस। ऐसे हम बच्चे को इन पिक्चर के नेम बता देंगे और कहेंगे कि ये प्रिंटर है बेटा, प्रिंटर की स्पेलिंग लिखो, पी आर आई एन टी ई आर प्रिंटर। हेडफोन एच ई ए डी हेडफोन, पी एच ओ एन ई फोन। स्पीकर एस पी ई ए के ई आर स्पीकर। सीपीयू सी पी यू सीपीयू। माउस एम ओ यू एस ई। इस तरह हम पूरी वर्कशीट कंप्लीट करा लेंगे। ड्रॉ द पैटर्न्स एंड कलर इट, बच्चे को ड्रॉ करना है पैटर्न्स को देखते हुए और कलर करना है। जैसे कि हम बच्चे को सिखाएंगे, पहले यहाँ स्क्वायर है, फिर सर्कल है, फिर स्क्वायर है, तो बेटा अब क्या आएगा, आप ये देखो स्क्वायर के बाद क्या है, सर्कल। ठीक, बच्चे को हम समझाएंगे स्क्वायर के बाद आपको यहाँ क्या ड्रॉ करना है, सर्कल। जब बच्चा ऐसे सर्कल ड्रॉ कर लेगा, हम उसको कहेंगे अब इसमें कलर करो, कलर आपको सेम करना है यहाँ से देखते हुए। ठीक, ऐसे ही ट्रायंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, अब क्या आएगा, स्क्वायर। सर्कल, ट्रायंगल, सर्कल, अब क्या आएगा, ट्रायंगल। स्टार, ओवल, स्टार, ओवल। इस तरह हम पूरी वर्कशीट बच्चे से कंप्लीट करा लेंगे। ज्वाइन द डॉट्स एंड मेक अ हट, हम बच्चे को ये बताएंगे इस वर्कशीट के अंदर स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन के डॉट लगे हुए हैं, और इन डॉटों के अंदर हमने हट बनाई हुई है थोड़े बिग डॉट से। आपको ये हट फाइंड आउट करनी है और डॉट को ज्वाइन करते हुए इस हट को बनाना है, कंप्लीट करना है। जैसे मैं करके दिखा रही हूँ, ये हमारी हट कंप्लीट है। ठीक, ऐसे ही आप बच्चे से करवाएंगे। मैच द शेप विद देयर नेम्स, यहाँ पर मैच इट करनी है शेप को। यहाँ पर नेम लिखे हुए हैं और यहाँ शेप बनी हुई है,
जैसे कि ये स्क्वायर है, बच्चा स्क्वायर को स्क्वायर से मैच करेगा। सर्कल है, सर्कल से मैच करेगा। ट्रायंगल, ओवल, रिक्टेंगल, इस तरह आप पूरी वर्कशीट बच्चे से कंप्लीट करा लेंगे। शेप्स की वर्कशीट है और यहाँ पर शेप्स के नेम लिखे हुए हैं। इन एंड आउट, आप इन एंड आउट की पिक्चर ड्रॉ कर लीजिए और हम बच्चे को ये समझा सकते हैं, ये पैरट कैज के अंदर है, ये इन है और ये बाहर है, ये आउट है। फुल एम्प्टी, आपको टू बास्केट बनानी है, एक फुल भरी हुई बनानी है और एक एम्प्टी खाली बनानी है। हम बच्चे को बता सकते हैं ये भरी हुई है, इसके अंदर सामान रखा हुआ है, ये फुल है और ये खाली है, एम्प्टी। आप देख सकते हैं ये जीके की वर्कशीट है, सभी वर्कशीट हैंडमेड है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।